हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे कैसे मैंने $10 अर्न किए हैं विद इन 30 मिनट्स। सो आप भी ये कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको फुल ट्यूटोरियल तो नहीं कहना चाहिए, फुल मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे ये किया है। ज़रूरत नहीं है कि आपको एडोब आना चाहिए, इलस्ट्रेटर आना चाहिए या कुछ भी आना चाहिए, उसके बिना भी काम चल सकता है। ओके, लेट्स बिगिन। आज के वीडियो में मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें मुझे $10 मिले हुए हैं। मुझे सिर्फ 9 इंस्टाग्राम आइकॉन्स बनाने थे, हाईलाइट आइकॉन्स जो होते हैं ना, वो मैं यहाँ पर दिखा दूंगी, तो वो बनाने थे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एडोब का यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर वगैरह या फोटोशॉप या कुछ भी, जो भी है बड़े बड़े टूल्स। मैं भी पहले वही यूज़ करती थी। तो जिसको नहीं आता है वो क्या करने वाला है, वो वीडियो में, इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ मैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हो और अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक बहुत ईजी फ्री टूल बनाने वाली हूँ जिसके थ्रू आप आराम से अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सब कुछ ना क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कितने क्रिएटिव हो, किस चीज़ को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि टूल्स तो सारे अवेलेबल हैं, सबके पास हैं, कईयों को आता है कईयों को नहीं आता, बट जो चीज़ मैटर करती है, जो आपको यूनिक बनाएगी, वो आपकी क्रिएटिविटी है। तो अब देखते हैं कि आप मतलब चलो शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। मैं पहले अपने उसकी ऑर्डर की पूरी डिटेल शो करती हूँ आपको, उसके बाद उसमें उन्होंने मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, सब कुछ विधिवत ढंग से बताने वाले हैं। एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि ये मोहतरमा है जिन्होंने मुझे $10 का ऑर्डर दिया था। उन्होंने बोला था उनको कुछ आइकॉन्स चाहिए इंस्टाग्राम के लिए डिज़ाइन उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग, और उनके ब्रांड का जो कलर था ना वो था कुछ गोल्डन टाइप का था और एक पर्पल था, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या थे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने देखिए इंस्ट्रक्शंस में ये दिया था सब कुछ कि ऐसे ऐसा चाहिए। उन्होंने अपने ब्रांड के कुछ अटैचमेंट्स भी दिए थे कि उनकी पोस्ट्स कैसी होती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सब दिया हुआ था। इसके बाद ना अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन एक अलग से स्प्रेडशीट में या फिर कहीं पर भी एक्सेल में, नोट पैड में, कहीं पर भी पेस्ट मार देंगे ये, ठीक है ना, ताकि अब हम लोगों को बार बार वहाँ ना जाना पड़े। अब यहाँ से देख लिया करेंगे। तो पहला इसमें से मैं आपको एक आइकन करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया, और आखिर में आपको पूरे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डिलीवर वगैरह किया है, क्या उनके रिव्यू आए हैं सब। उन्होंने बोला था कि अच्छा है, 5-स्टार रेटिंग थी उस पर मुझे, और उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्हें पसंद भी आया। तो स्पिरिचुअल माइंड से मान लीजिए इन्होंने ये मुझे दिया है कि एक उनको आइकॉन चाहिए जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैं आप इसका क्या करने वाली हूँ, इसको कैसे बना सकते हैं हम, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कैनवा पे, हम लोग बनाने वाले हैं कैनवा। अगर आप नहीं जानते हो तो canva.com जाओ, सीधा लॉगिन कर दो, मतलब साइन अप करो, अगर लॉगिन नहीं है पहले से तो साइन अप करो। इस टाइप का कुछ इंटरफेस आने वाला है आपके पास, और इससे ईजी और कोई ऐप नहीं है यूज़ करने के लिए, ट्रस्ट मी, ये सबसे बढ़िया है। और इसको यूज़ करने के बाद ना आप एक पल को आपको लगेगा कि यार ये तो सब काम कर देता है। प्रो वर्जन का ट्राई करोगे, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, फ्री वर्जन में भी इतने सारे फीचर्स हैं कि ढंग से यूज़ करना आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो फिर आप सबसे पहले हम डाल देंगे हाईलाइट आइकॉन्स, इन्होंने बोले हैं इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं सबसे पहले। इंस्टाग्राम स्टोरी ये देखिए आ गया। इसमें आपको साइज़ ही डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये देखिए पहले से साइज़ दिया हुआ है 1080x2 इतना पिक्सल का, तो आ गया। आप खोले जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या हो गया इसे। ओके, सो ये देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स भी रहते हैं, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि टेम्पलेट्स यूज़ मत करना, क्योंकि ये सब फालतू काम है, वो खुद ही कर लेंगे। आप अपना दिमाग चलाओ थोड़ा बहुत, कुछ यूनिक करके दिखाओ, ठीक है ना। तो अब उन्होंने जो मुझे दो चीज़ें उन्होंने अटैचमेंट भेजे थे, उनके कलर्स जो थे, उनके ब्रांड कलर्स जो हैं, हम सबसे पहले मैंने वो अपलोड कर लिए थे पहले से ही, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये थे उनके दो ब्रांड कलर्स, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसकी खासियत ये, जैसे ही आप ये दोनों अपलोड करोगे ना, यहाँ पर डाल दिया आपने, इसके बाद ये पीछे का आपको बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, ये कलर का चाहिए कि ये कलर का चाहिए, तो ये अपने आप सजेशन में जो है इसके कलर्स, ये देखो डॉक्यूमेंट कलर्स आने लगे। तो अब हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले से उसने बता दिया, ठीक है। तो सपोज करो मैं ये वाला बैकग्राउंड रखना चाह रही हूँ, उसके बाद एक सर्कल लेंगे हम, क्योंकि सारा काम उस पर ही होने वाला है। एलिमेंट्स पे जाओ, सर्कल शेप्स पे जाओ, ठीक है। सर्कल पे ये सर्कल दिख गया,
ठीक है, इसका पहले कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसे हटा सकें। ये आ गया, अब हमारे पास ब्रांड कलर्स आ गए हैं। अब हमें कोई चिकल्लस की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से मस्त बड़ा कर दो इसे। ठीक है, सेंटर में ले आओ, ये मार्जिन देख दाग के सब सेंटर में आ गया। इसके बाद हमारा जो कहना चाहिए टेक्स्ट हम लोग एक डाल के रख लेते हैं, बना किसके बारे में रहे, मतलब मैं आपको बनवा किसके बारे में। मुझे पर्सनली ये फॉन्ट बहुत पसंद है, ये चीयर्स लिखा हुआ है ना, ये बढ़िया लगता है। अनग्रुप करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ थे, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्पिरिचुअल माइंड सेट था ना, क्या था, हाँ स्पिरिचुअल माइंड सेट। ओके, ये हमने टाइप कर दिया, हो गया बढ़िया। अब यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है, और इसके बाद इसका कलर भी हम पर्पल ही कर देते हैं, बेचारे को क्यों छोड़ें। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पिरिचुअल माइंडसेट में अब अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए, कैसा अच्छा लगेगा करके। तो स्पिरिचुअल मतलब कोई ऐसे योगा वियोगा कर रहा है इस टाइप का, मतलब फील नहीं आ रहा एकदम स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक एकदम, तो वैसा आ रहा है। माइंडसेट में मतलब ब्रेन वगैरह से कुछ रिलेटेड, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो कितना बढ़िया सा कुछ आइकॉन बन जाएगा ना। तो वही सोच के साथ मैंने कल ये बनाया था और फिर उनको डिलीवर किया, उन्हें पसंद भी आया, तो बताती हूँ। सबसे पहले ब्रेन टाइप करते हैं, देखते हैं कैसे एलिमेंट्स आते हैं। बढ़िया एलिमेंट्स हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये वाला यूज़ किया था, मुझे ये अच्छा लगा था बढ़िया सा। अब इसके बाद इसे बड़ा सा कर देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ये जो रेड कलर है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, इसमें हम ये कलर डालेंगे क्योंकि इसका ब्रांड कलर जो है, क्योंकि उन्होंने अपनी थीम दी हुई है ना, तो अपना ज़्यादा दिमाग खुद से ना चलाए, जैसा बोला है क्लाइंट ने वैसा करना है। इसके बाद स्पिरिचुअल में देखिए, अब स्पिरिचुअल डालते हैं, बहुत ही जुगाड़ू टाइप का काम कर देते हैं हम, कई कई बार स्पिरिचुअल डालते हैं, ये बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें हम सबसे पहले इन्हें पर्पल कलर करते हैं क्या, नहीं नहीं येल्लो गोल्डन, हाँ ये अच्छा लग रहा है, येल्लो भी अच्छा लगेगा, येल्लो बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक है आंटी, तो इन्हें कर देते हैं ये कलर, नहीं ये कलर देखते हैं कैसा अच्छा लग रहा है, ये कर देते हैं, सीधे से छोटा कर देंगे एकदम सेंटर में, इसके दिमाग में योगा चल रहा है इस टाइप से मतलब स्पिरिचुअल, ठीक है ना। ये उसका फेवरेट था ये, जो मैंने डिलीवर किया ना जिन मोहतरमा को, उनको ये बहुत पसंद आया। तो ये देखो बन गया एक और बढ़िया सा। अब इसके बाद क्या तुम्हारी जो कहना चाहिए आत्म इच्छा है, अगर कि इसको और कहना चाहिए खूबसूरत बना दें, टाइम में तुम्हारे पास पड़ा हुआ है भर भर के, तो फिर तुम कर सकते हो। एक और ये लेंगे हम, ये वाला, इसका कलर कर देंगे हम ये वाला, इनका जो है ये गोल्डन इन्होंने बोला तो, पर ये थोड़ा ग्रीन टाइप का नहीं लग रहा है इस टाइप का, हाँ ठीक है। अब सो ये इस टाइप का कुछ आप कर सकते हो चाहो तो मतलब समझ रहे हो, तो इस टाइप से आप बना सकते हो आइकॉन्स, और यहाँ पे स्टार स्टार ऐड कर दो, जोकर नाउ कर सकते हो। कुल मिला के बस इतना मकसद था कि इस टाइप से आप बना सकते हो जितने भी चाहो। अब मैं आपको एक फटाफट एक बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया, मैं सब डाल दूंगी इसके बाद इसके वीडियो में कि क्या क्या मैंने कैसे किया है। तो ये बन गया हमारा, इस तरीके से आप जितने भी ऐड पेज कर करके बनाते जाओ, यहाँ से जाओ डाउनलोड मारो, डाउनलोड में PNG पे सिलेक्ट रहने देना, जिप फाइल आ जाएगी, अगर एक एक करोगे तो PNG में आएगी, वरना सारे कर ले खट्टे तो जिप में आ जाएगी, डाउनलोड मार दो। उसके बाद क्या, जाओ वापस जाओ यहाँ पे डिलीवर कर दो ऑर्डर करके, ये देखो ये डिलीवर ऑर्डर कम्प्लीटेड, बस 5-star रिव्यू मिल गया, ये जीत गए। बस इतना ही था, आप लोग आखिरी में देख लो कि कैसे क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिना लाइक के मत जाना, समझ में आ गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।